नमस्कार। मैंने एक नया घर ख़रीदा और पंडित जी मेरा बिजनेस डाउन हो गया। मैंने अपने घर का रेनोवेशन कराया, पुराना घर था, नए आज के ज़माने के हिसाब से अप टू डेट घर गमाया, बहुत अच्छा खासा पैसा लगाया घर में, लेकिन मेरा उस घर में जब रेनोवेशन कराया तो मेरा बिजनेस डाउन हो गया। मैंने एक पुराने रेंटेड घर में जब मैं रह रहा था, मैं नए रेंटेड घर में गया, वहाँ पे अच्छे रूम्स मिल रहे थे, बच्चों के लिए स्पेस ज़्यादा मिल रहा था, एंड मैंने उस पुराने घर से बहुत कमाया। सोचा एक नए रेंटेड घर में चले जाता हूँ, लेकिन उस घर में जाते ही मेरा करियर, मेरा नौकरी या फिर मेरा जो बिजनेस है वो डाउन होने लग रहा है, सेल्स कम होने लग रहा है। ऐसा क्यों? इसका रीज़न है सिर्फ़ और सिर्फ आपके घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन दोस्तों, या नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन अपॉर्चुनिटीज़ का है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपके पैसों का है, कैश फ्लो का है। जब भी हमारे कुंडलिया में शुक्र ग्रह, याद से सुनिएगा, शुक्र ग्रह या फिर बुध ग्रह, वीनस एंड मरकरी खराब होते हैं और वो दशा में आ जाते हैं, तो तीनों में से एक स्टेप आप हमेशा लेते हैं और वो स्टेप लेते ही आपका करियर नीचे चला जाता है दोस्तों। इसकी रेमेडी बताऊंगा, पूरा वीडियो देखिएगा, प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर से भी शेयर करिएगा जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहा हो। इवन आप पूरा वीडियो देखिएगा, 1 मिनट आपका खाली इस वीडियो में आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा विदाउट स्पेंडिंग एनी अ ह्यूज अमाउंट। कोई ज़्यादा पैसा बिना खर्च करे आप रेमेडी कर सकते हो दोस्तों। आपके लिए ये मैं लेकर आया हूँ, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपका बिजनेस नीचे जा रहा है तो अपने घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन देखिएगा। सबसे पहले साउथ ईस्ट डायरेक्शन घर के कंपस में खड़े हो जाइएगा, घर के मिडल में खड़े होइएगा, कंपस खोलिएगा एंड देखिएगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहाँ आ रहा है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ कि 135 डिग्री पे आता है। अपने घर के सेंटर में खड़े होइएगा नंबर वन, कंपस खोलिएगा नंबर टू एंड 135 डिग्री देखिएगा क्या है। आप पाएंगे कि आपके 135 डिग्री पे वाटर एलिमेंट होगा। वाटर एलिमेंट मतलब फ्रिज हो सकता है, टॉयलेट भी हो सकता है, साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि वहाँ की जो वॉल होगी, जो दीवार होगी, वो रेड कलर की हो ना हो, येलो कलर की ना हो, ठीक है। तो ये एंटी कलर्स होते हैं, अगर ये वहाँ पे है तभी आपके साथ ये सारी दुर्घटना या चीज़ें हुई हैं। नंबर सेकंड, नॉर्थ डायरेक्शन बुध की डायरेक्शन होती है। ये कुंडलिया में बुध खराब हो तो इसकी दशा लग जाए बुध की ही, तो आप इन तीनों में से एक चीज़ करेंगे, अपना बिजनेस स्विच करेंगे। घर में पानी के लीकेज की प्रॉब्लम होगी, घर में आप देखेंगे कि जो नॉर्थ डायरेक्शन है वहाँ पे आपका किचन भी हो सकता है, नॉर्थ डायरेक्शन में टॉयलेट भी हो सकता है। और एक चीज़ और, घर में फीमेल चाइल्ड ना होना, ये भी नॉर्थ डायरेक्शन का सबसे बड़ा नेगेटिव रिमार्क है। तो दोस्तों इसकी रेमेडी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर नॉर्थ डायरेक्शन में आपका टॉयलेट है तो उसको तुरंत बंद करिए, और साथ ही साथ वहाँ पे टॉयलेट की जो सीट है वहाँ के चारों ओर आप एक अच्छा उपाय ये कर सकते हैं कि ब्लू कलर की टेप वहाँ पे लगा दीजिए। सिमिलरली साउथ ईस्ट में अगर आपका टॉयलेट है तो आप एक काम ये कर सकते हैं, जो भी टॉयलेट सीट है उसके चारों कॉर्नर में आप रेड कलर का डक्टिंग टेप आता है वो लगाइए और टॉयलेट को क्लोज कर दीजिए, यूज़ ना करिए। सबसे अच्छी रेमेडी है ये दोस्तों। और साथ ही साथ आप एक चीज़ सबसे अच्छी ये कर सकते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए आप कुबेर का ब्रास कलर का एक इम्प्रूव एलिमेंट आता है वो आप रख सकते हैं, मूर्ति आती है ब्रास की, वो आप रखिए, अच्छा होगा। साथ ही साथ आप एक चीज़ ये भी देखेंगे दोस्तों कि अगर आप अपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रेड कलर के हॉर्सेस लगाते हैं, मैं पिक्चर शो कर रहा हूँ आपको, आप देख सकते हैं, तो आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन इम्प्रूव होगा। रेड कलर का बल्ब लगाते हैं, ठीक है, 0 वॉट का, तो वो भी आपकी डायरेक्शन को इम्प्रूव करिएगा। तो आज ही अपने घर को सुधारिए। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। कमेंट करना जिसको जिसने जिसने ये ट्राई करा और उसको असर मिला। तो जय माता दी।